सो गाइस यहाँ पे अच्छा खासा सुबह से मैंने अपनी नींद खराब की ये पैकेज रिसीव करने के लिए, जो कि 3700X मैंने ऑर्डर किया था कल अमेजोन से, 22,000 के अराउंड सेल हो रहा था, तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया एंड COD नहीं थी, मैंने प्री पेमेंट कर दिया इसका, ठीक है। एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 30,000 के आसपास है। तो यहाँ पे भाई साहब डिलीवरी बॉय है मेरे सामने, ये आप देख सकते हो, एंड इनसे मैंने ये पैकेज अभी सुबह सुबह रिसीव किया है। एंड पैकेज के अंदर जो निकला है ना, वो देख के मुझे खुद शॉक लगा है अच्छा खासा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पैकेज के अंदर ये निकली हार्ड ड्राइव, एंड हार्ड ड्राइव भी ऐसी कंडीशन में है ना कि हार्ड ड्राइव भी बंद है। तो पैकेज पकड़ते ही मुझे आइडिया आ गया था, बट फिर भी जस्ट फॉर सेफर साइड उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, एंड मैंने एक वीडियो बना लिया ताकि यार फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा इश्यू हो रिफंड विफंड का, तो ये वीडियो मेरे पास एज अ प्रूफ रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। सो इंट्रो विंट्रो छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया था एक स्क्रीनशॉट के साथ, जिसमें था ये वाला प्रोसेसर जो कि राइजन 7 3700X था। अब नॉर्मली ये वाला जो प्रोसेसर है ना यार, 30,000 के आसपास सेल होता है, 30,000 के आसपास, बट यहाँ पे जब मैंने देखा तो भाई अमेजोन के ऊपर ये वाला प्रोसेसर 21,899 रुपीज में मिल रहा था। तो अगर आप ऐसे देखें तो ऑलमोस्ट यार 7,000 से 8,000 रुपए का ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा था, यानी इतनी अच्छी डील कौन जाने देगा। अब जब लिंक को ओपन करके देखा ना, तो भाई जो सेलर था वो कोई नया सेलर था, फैक्सिप केयर करके सेलर था। एंड पहले मैंने सोचा कि यार पक्का ये कोई स्कैम होगा, फिर यार जिसने मुझे मैसेज किया था उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या इस वाले प्रोसेसर को मैं बाई करूँ या नहीं करूँ, यार काफ़ी अच्छी डील है। तो मैंने सोचा कि भाई एक काम करो, पहले होल्ड पे रखो, कोई स्कैम हो सकता है, मैं इस वाले प्रोसेसर को पहले परचेस करता हूँ, एंड उसके बाद अगर ये जेन्युइन बंदा होगा, मुझे प्रोडक्ट एक बार रिसीव हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको परचेस करना है या नहीं। तो मैंने उसी टाइम पे यार इस वाले प्रोसेसर को ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे एक और गड़बड़ लगी, वो ये थी कि भाई यहाँ पे COD अवेलेबल नहीं थी। अब पेमेंट हमको प्रोडक्ट रिसीव होने से पहले यानी तुरंत करना पड़ेगा जब हम ऑर्डर करते हैं, तो भाई इस वाले सीन में भी मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा था, बट एट लास्ट भाई हनुमान जी का नाम लेके मैंने ऑर्डर कर ही दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर करने के 3 या 4 दिन बाद ये वाला जब प्रोडक्ट आया ना, तो मुझे पहले से ही झोल लग रहा था कि भाई 8,000 रुपए का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे पहले से झोल ही लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, जब भाई डिलीवरी वाला बंदा आया, तो ये जो बंदा है ना, ये यार मेरे यहाँ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स लेके आता रहता है, बिकॉज ये एरिया में यही भाई डिलीवर करता है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, तो यार थोड़ी सी ऐसे जान पहचान टाइप बन गई है। तो मैंने ये भाई से कहा कि यार ऐसा ऐसा सीन है, यहाँ पे 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, एंड मुझे थोड़ा सा स्कैम टाइप झोल झपाट लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे मैंने वो भाई के सामने ही यार वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रोडक्ट को ओपन किया, एंड प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप खुद ही देख लो, एंड मैं पैकेज का साइज देखकर ही समझ गया था कि यार राइजन 7 3700 का बॉक्स इतना छोटा कहाँ से आ गया। एंड जब पैकेज खोला तो भाई उसके अंदर निकली एक हार्ड ड्राइव, 1 TB की हार्ड ड्राइव, वो भी बंद। वैसे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया हार्ड ड्राइव को, बट फिर भी यार इसकी कंडीशन से लग रहा था कि यार ये वाला हार्ड ड्राइव बंद है, किसी पुराने कंप्यूटर से निकाल के भाई सेलर ने बढ़िया पैक वैक करके दे दिया था। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा कट गया था, एंड उस टाइम यार मतलब सुबह सुबह ही पैकेज आया था, मैं जस्ट सोके ही उठा था, उसके बाद मैंने पैकेज रिसीव किया, एंड सोचो यार मतलब सो के उठते हो और आपका 22,000 रुपये का कट जाता है, तो आपको कैसा लगता है। तो सेम वैसा फील हो रहा था मुझे। अब मैंने ऑन द स्पॉट अमेजोन के कस्टमर केयर को फ़ोन किया, एंड डिलीवरी बॉय को मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा यार रुक जाओ, सामने में बात कर लेता हूँ, एक बार सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद आप चले जाना। तो यार डिलीवरी बॉय जो था ना यार काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था, तो वो भाई रुक गया, एंड यहाँ पे मैंने अमेजोन वालों को फ़ोन लगाया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, एंड उन्होंने मुझसे आधे घंटे का टाइम मांगा शायद, एंड उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि यार आप टेंशन मत लो, डिलीवरी बॉय को आप जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैंने भाई डिलीवरी बॉय को जाने दिया, एंड आधे घंटे के बाद भाई उनका कॉल आया, एंड पूरे आधे घंटे में यार फ़ोन के पास ही था, सोचो यार ब्रश भी मैंने नहीं किया था, नहाया भी नहीं था, फ्रेश भी नहीं हुआ था, आधे घंटे पूरे मैंने वेट किए, यार 22,000 का मामला था भाई, 22,000 रुपये यार काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो आप लोग समझ ही सकते हो यार उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो यहाँ पे आधे घंटे बाद उनका जब फ़ोन आया, मैंने फ़ोन पिकअप किया, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है कोई इश्यू नहीं है, आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसको आप रिटर्न कर दीजिए, कल हमारा बंदा आएगा पिकअप के लिए, आप उसको यार हार्ड ड्राइव वैसे ही दे देना, एंड आपका जो अमाउंट है वो हम रिफंड कर देंगे आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड से। तो यहाँ पे यार तब जाके मेरी जान में जान आई, एंड दूसरे दिन यार वो उनका अमेजोन का बंदा आया पिकअप के लिए, मैंने उनको हार्ड ड्राइव दे दिया, हैंडओवर कर दिया, एंड जब डिलीवरी बॉय ये वाला प्रोडक्ट लेके गया तो रिफंड तो इनिशिएट एट दैट टाइम हो गया था, बट यार 4 से 5 दिन के बाद ये लोग ऐसा बोलते हैं कि रिफंड आपके अकाउंट में आ गया होगा, एंड जो रिफंड है वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था।
एंड गाइस यहाँ पे आपको बता दूं यार, अमेजोन की टीम काफी ज्यादा कॉपरेटिव है, काफी सही से ये लोग कॉपरेट करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिव है, ऑन द स्पॉट ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा कुछ स्कैम होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप भी जाओ यार ऐसे मतलब नए सेलर से यार कुछ भी परचेस कर लो। अब यहाँ पे गाइस इतना ही नहीं, सीन ये हुआ कि भाई 5-6 दिन के बाद मेरे अकाउंट में यार पैसे आए नहीं, तो यहाँ पे मैंने कुछ फर्दर स्टेप्स लिए एंड मैं आपको वो बताता हूँ मैंने क्या किया। एंड जब मेरा रिफंड नहीं आया तो मैंने अमेजोन को वापस से कॉल किया, तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर दिया एंड उन्होंने ये कहा कि आप consumercomplaints.in पर जाके आपका जो इश्यू है इसको प्रॉपर मेंशन करो एंड ये रेफरेंस नंबर भी वहाँ पे मेंशन कर देना एंड आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ये शायद इश्यू मेरे बैंक की तरफ से था, ये लोगों ने अमाउंट को यार मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था तो वहाँ से ये प्रॉब्लम था। हालांकि एंड अगर जो रिफंड का मेरा अमाउंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, अराउंड 6 बजे के आसपास यार मुझे रिफंड रिसीव हुआ एंड ये वाली वीडियो मैं 7 बजे शूट कर रहा हूँ। अब ये वाला वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भाई मेरा तो कट गया था बट फिर भी यार किस तरह से मैंने रिफंड वापस लिया, आप लोगों को कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि अगर आप लोगों के साथ फ्यूचर में ऐसा कोई स्कैम हो भी जाए तो आप किस तरह से यार अपना टोटल अमाउंट रिफंड ले सकते हो अमेजोन से। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी है ना यार, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो अगर डिस्काउंट विस्काउंट दिखे ना आपको ज्यादा डिस्काउंट, तो सबसे पहले तो यार सेलर के रिव्यूज चेक करो यार, सेलर मतलब नया है या फिर पहले का है, अगर उसके रिव्यूज अच्छे हैं, पहले से किसी ने ये प्रोडक्ट मंगाया है या नहीं, ये सब चेक करने के बाद प्रोडक्ट परचेस करो। उसके बाद अगर आपने एक बार परचेस कर लिया, आपको डाउट हो रहा है कि यार आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो जब आपको पैकेज रिसीव होता है ना तो आप यार तब प्रॉपर एक वीडियो बना लो डिलीवरी बॉय के सामने ही, ताकि यार आपके पास एक प्रूफ हो सके कि हाँ भाई आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है या फिर कोई और प्रोडक्ट है आपने जो मंगाया नहीं था वो आया। एंड थर्ड थिंग ये है कि भाई अमेजोन के कस्टमर केयर से भी जब आप बात करते हो ना तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन रखा करो, ताकि यार जो भी आप लोगों के बीच में बात हो तो वो आपके पास एज अ प्रूफ पड़ा रहे, बाद में अगर इन केस कुछ हो तो आप लोग यार एटलीस्ट सामने वाले को एविडेंस दिखा सको। एंड एक चीज और यार, ये वाला जो सेलर है ना, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे नाम डाल रहा हूँ, इस वाले सेलर को यार जाके रिपोर्ट करो, इस वाले सेलर के पास यार कुछ भी परचेस मत करो, क्योंकि हो सकता है यार बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ भी यार ये स्कैम कर रहा हो। अभी तो मुझे हार्ड डिस्क मिली है, पता नहीं यार कितने लोगों को क्या क्या मिला होगा, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एंड हो सके तो यार इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, भाई लाइक वाइक मत करो चलेगा, बट इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। सो बस मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।